हम इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो जी, क्या कुछ स्ट्रक्चर में खास है, आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। इसके अंदर जी सबसे बड़ी खासियत तो यह है, इसके जो रोड स्पीड थी वो चेंज करी गई है और ये इसकी बाइक स्पीड भी चेंज करी गई है। अच्छा, बाइक स्पीड में? बाइक स्पीड सभी ट्रैक्टरों के अंदर अभी जॉन डियर ने नया लॉन्चिंग कराया है, ए बी और सी और डी के अंदर। ठीक है, सभी ट्रैक्टरों के अंदर ए बी सी आने लग गया है। इसी करके जॉन डियर कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी निकाल ली है और इसके इंजन के अंदर भी चेंजिंग की गई है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी में भाई साहब देंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सोनू मलिक। सोनू मलिक हैं ये, और इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब, हमें इसके बारे में विस्तृत आप बताइए, क्या कुछ इस ट्रैक्टर में खास है और कंपनी ने ये नया निकाला है गियर प्रो के नाम से, आप बता रहे हैं, तो क्या खास रहेगा इसके अंदर, बताइए विस्तार। इसमें ये 5210 गियर प्रो के नाम से ट्रैक्टर निकाला, पहले सिंपल आता था, अपना सिंपल मॉडल था 5210, अब गियर प्रो के नाम से निकाल दिया है। इसमें 4 रिवर्स हैं, 12 फॉरवर्ड हैं, 12 गियर आगे के हैं और 4 रिवर्स हैं। इसकी लिपिड कैपेसिटी जैसे यार पीछे दिखाएंगे, इसकी जो लिपिड की कैपेसिटी है ये 2000 से 2200 किलो है। अगर इसको अगले इसमें लगाएंगे तो ये 2000 रहेगा, पीछे लगाएंगे तो 2200 किलो वजन वेट उठा सकता है। और इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है। ठीक है, इसकी जो टोरक पावर है वो 38% कर दी गई है। और इसका जो है तेल का फ्यूल कंजप्शन का जो तेल का खर्चा है बहुत ही कम है। अच्छा, कंप्यूटर गोड़ी में 4 लीटर की एवरेज देता है 1 घंटे के अंदर। अच्छा, ये टैंक कितने लीटर का इसमें? टैंक है इसका 55-60 लीटर। ठीक है जी, और पीटीओ इसमें कौन सी रहेगी हमारी? इसमें 2 पीटीओ आती है, स्टैंडर्ड पीटीओ भी आता है और रिवर्स पीटीओ भी आता है, ये जैसा भी जमींदार चाहे वैसा ले सकता है। तो आपको इसका बोनट खोल के थोड़ी और जानकारी देते हैं, अंदर से इस ट्रैक्टर में क्या कुछ खास रहेगा। इसके अंदर ये एक टोटराई एयर सिलेंडर दिया गया है जी, ये साथ में और फ्लो टैंक दिया है और इसके अंदर ये टर्बो चार्जर भी दिया गया है। तो इसमें बता रहे हैं ये और फ्लो जो कूलेंट के लिए, कूलेंट के लिए हो गया और ड्राई एयर क्लीनर हो गया। ड्राई एयर क्लीनर है जी। फ्रंट में इसमें बैटरी रखी है, काफी रखी है। खास चीज बना दी, ये खास चीज है, कोई बैटरी को चुरा ना सके, ये लॉक के अंदर आता है। और सिंगल पीस बोनट दे दिया इसमें, सिंगल प्रेस से और काफी मजबूत है बोनट, ऐसी बात नहीं है इसका। इसमें यहाँ पे आपको टर्बो भी दिखा, टर्बो चार्जर लगाया गया है इसके अंदर जी, जो इससे पावर डीजल का खर्चा कम होता है। हाँ, जिससे जो 4 सिलेंडर की पावर जो है 3 सिलेंडर में है और ताकत बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इनलाइन पंप है इसका जी। ठीक है, ठीक है। साइड गियर है। अच्छा, हाँ जी, ये रिवर्स पीटीओ, ड्यूअल पीटीओ और स्टैंडर्ड पीटीओ में भी उपलब्ध है। ठीक है, साइड गियर, डबल डिस्ट्रीब्यूटर और बैठने के लिए आरामदायक सीट है। जो इसका बैठने का प्लेटफॉर्म है ये काफी शानदार है और ड्यूअल क्लच है इसके अंदर। ड्यूअल क्लच, अलग अलग लीवर से। अच्छा अच्छा, और पावर ब्रेक जो, और इसमें जो ब्रेक है वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक का यूज किया गया। ऑयल ब्रेक है प्रेशर के जी। डिस्क वाले हैं या फिर ऑयल इमर्स्ड है? ऑयल वाले हैं। डिस्क है, डिस्क छोटे के अंदर है जी, इसमें नहीं है। नहीं, 52 में प्रेशर ऑयल ब्रेक। अच्छा अच्छा अच्छा, जो की 5 kg ऑयल इमर्स्ड का है, बराबर काम करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे हीटिंग गार्ड है, ये हीट गार्ड लगा रखे हैं इसमें। हाँ जी, और उसके साथ आपको दिखा दें इसमें यहाँ पे टूल बॉक्स दे रहे हैं जी। पीछे की तरफ देखें तो अगर एक्सल की बात की जाए, इसकी काफी हैवी एक्सल दे रखी है जॉन डियर ने यहाँ पे, सभी ट्रैक्टर से लगभग 2 गुना एक्सल इसमें आपको देखने को मिलेगा इस ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी अटैच करनी है ट्राला वगैरह से, तो उसके लिए उड दे रखा है, एक स्विच है। 16 के टायर हैं सबसे, जो एक बहुत ही बड़ा साइज आ जाता है जो ट्रैक्टर के ऊपर जचता है स्पेशली जॉन डियर में, तो 16 के टायर इसमें 16x28 के MRF के। तो दोस्तों, इसका जो हम ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको कैसा क्या सिस्टम है, यहाँ पे सबसे ऊंचा जो आप पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, और ईटिंग गार्ड लगाए गए, इस तरफ ड्यूअल क्लच है, और बीच में जो है यहाँ पर प्लास्टिक का ये हैवी मेटल यूज़ किया गया ताकि गर्म ना हो हमारे यहाँ से। और गियर की बात की जाए, ये स्पेशल गियर प्रो इसलिए कहते हैं, ABCD 4 गियर है इसमें, और ये PTO क्लच है इसकी, आपको जो है ड्यूअल क्लच वाला पंगा नीचे नहीं रहेगा, यहाँ से कर सकते हैं। ये PTO का इसका लीवर हो गया नीचे। हाँ, ये रिवर और, हाँ रिवर्स और 540 वाला है ये। हाँ, और जो सीट है काफ़ी बड़ी है, इस पर आप देख सकते हैं
लगभग दो ब्लांत की है, काफ़ी चौड़ी सीट है, आरामदायक है, साइडों में एक एक व्यक्ति बैठ सकता है आराम से, दो भी बैठ सकते हैं। और इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये वही लिफ्टों वाले दो कंट्रोल हो गए। ये गियर किस लिए है? ये गियर है अपना जैसे आगे लोडर लगाना है डोजर के लिए और कंप्यूटर गोड़ी के लिए। इसमें आगे पीटीओ है? नहीं, ये जो अब फ्रंट पीटीओ नहीं है, ये नहीं, ये ये आगे लोडर लगाना है तो नहीं, ये वाल को कंट्रोल कर रहा होगा। हाँ जी, फिर वो बताओ ना। डबल एचसीवी, ठीक है ठीक है। ये ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करता है, ये उसके लिए है। हाँ जी। और नीचे इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंशियल दिया गया जॉन डीयर की तरफ से, जो भी काफ़ी दोनों टायरों में बराबर हंगा लगाएगा। और यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं पार्किंग गियर के साथ एक दो तीन गियर हैं और एक रिवर्स गियर है। ऊपर बैठने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी फीलिंग आती है, इसमें पूरे पैर सीधे हो जाते हैं, यहाँ पे मुड़ने वाला काम नहीं, आरामदायक है बिल्कुल। और जो मीटर है इसका, आप मीटर देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटली आवर दिखाएगा, उसके साथ यहाँ पे एनालॉग में इसकी सुई है। और यहाँ पे इसमें मोबाइल होल्डर है, उसके साथ स्टेबल रेस है इसकी जॉन डीयर की। साइड में एक मिरर दिया गया है, ये पैर वाली रेस है इसकी। तो ये इसके अलग अलग पैरों वाले ब्रेक हैं, एंड ब्रेक कहाँ से? ये है इसके अंदर पार्किंग, ठीक है ठीक है। हाँ, पार्किंग दे दिया इसमें, एंड ब्रेक नहीं है। और आपको इसकी साउंड टेस्ट कराते हैं अभी, कोई नहीं हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो टर्बो के अंदर काफ़ी शानदार आवाज़ है। तो इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 8,25,000 रुपये है, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, आप डीलर से बात कर लेना। और जींद के अंदर है ये, बयानी रोड के ऊपर इनकी जो एजेंसी है जॉन डीयर कंपनी की, तो इनसे आप बात करके देख सकते हैं। और इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी शानदार 52 ट्रैक्टर है, ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर दोस्तों, 8,25,000 रुपये की रेंज के अंदर। ट्रैक्टर की हाइट जो है बहुत ही शानदार देने लगे अभी जॉन डीयर, जो पहले वाले ट्रैक्टर थोड़े से हल्के से नीचे होते थे, लेकिन अभी जो साइज है सबसे ऊंचा, अभी इनका साइज देखिए आप, ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर बात की जाए काफी अच्छा है, तो बहुत ऊंचा दोस्तों, आप इसे देखेंगे जब, काफी ऊंचा, लगभग 2.25 फीट के अराउंड में है। इसके अंदर जो है आप देख सकते, जो एयर क्लीनर चौक हो जाएगा ये उधर ही, ठीक है ठीक है, इंडिकेटर देगा। तो ये उसके लिए है, आपको जो मीटर के अंदर इंडिकेटर देगा ये, कि जो हमारा चौक हो गया है ये सिलेंडर, ठीक है, इंडिकेटर दे देगा। और इसमें सिंगल एक्टिंग का जो स्टेयरिंग का पंप दिया गया है यहाँ पे, और वाटर सेपरेटर यहाँ पर दे रखा है इसमें, ये तो सभी कंपनियाँ देने लगी आज के टाइम पे। और हीटिंग गार्ड जो है लगभग सभी ट्रैक्टर्स में आने लगे, और क्या यहाँ पे जो है पंप है, ये ड्यूअल पंप है, ये ड्यूअल पंप दिया गया है, स्टीयरिंग का अलग है और हाइड्रोलिक का अलग है, इसका हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग का एक ही ऑयल चलता है अभी, ठीक है ठीक है, और स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक का एक ही ऑयल चलता है। अच्छा अच्छा। तो और जो सबसे खास चीज इसमें है कि जो पहले ये नीचा होता था और यहाँ से बीच से उठा हुआ होता था, लेकिन अभी लगभग बिल्कुल प्लेन है और जगह काफी बढ़ा दी गई है बीच में, ताकि किसान जो आराम से बैठ सके इसके ऊपर। ये लाइटें भी हैं, लाइटें मजबूत दी गई हैं यहाँ पर, और आप इधर से पकड़ के भी चढ़ सकते हैं या उधर से भी चढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से इसमें ये सहूलियत दे दी गई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद। तो ये डीलर है दोस्तों, इनका आप कार्ड देख सकते हैं, नीलकंठ ट्रैक्टर्स के नाम से, और सभी तरह के ये जो है कंबाइन भी मंगवा देंगे अगर आप इनसे बात करते हैं, और किसी भी तरह की जानकारी आप जो लेना चाहें तो इनसे ले सकते हैं।